सुना दिन प्रोग्राम जवाब खपे सगन मा है इम्तियाज मीर चूंडू एक तो वो मसलो यो है चूंडन में दांधली न थे इन लाइ कानून साजी की जरूरत है केतरी कानून साजी की जरूरत है ए फौरी इंतखाबा छो ना थी सकन उनमें रुकावटू कड़ियों आन इलेक्शन इलेक्शन कदें थी 2022 में या 2023 में मुझे टेलीफलाइन से ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रही चुका है सेनेट रही चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहा मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सर तक वेलकम चाहूँ प्रोग्राम में डॉक्टर साहब कानून साजी की केतरी जरूरत आ एक तो दबाव आ जरूर कोलिशन गवर्नमेंट से जल्दी इलेक्शन कराए एक तो कानून साजी रुकावट आ काफ़ी शुभ रुकावट 2022 में इलेक्शन थी या 2023 में इलेक्शन थी चौंद ऑगस्ट 2023 जका कोलिशन गवर्नमेंट फैसलो सही जेकने परफॉर्मेंस बेहतर भी न थी रहे डिलीवर भी न था करे सको तो वो साढ़े टिन साल सियासी जो जो नाअहली जो मुजाहरों थो गलत फैसला थे मुआशी उन जिम्मेदार भी तो हों ना डॉक्टर साहब कोशिश कवाम के फायदो पहुंचा लगा पाया बाकी ब्लैकमेलिंग में अजा थी तो असो फैसलो यो है कोलिशन पार्टनर्स जो अगे छो थे आई डोंट नो डॉक्टर साहब जैसे तुम ऑपोजिशन में हो बाहर हो तो इमरान खान के चो पा जल्दी इलेक्शन कराए हाँ जैसे तुम गवर्नमेंट में वो चे तो तुम जल्दी इलेक्शन करा उन मल भी तो यही रुकावट हुई कानून साजी हुई काफ़ी शूं हुई उन मल तक दबाव वो पा चो पा तो अवाम के करता अज तहे दौर में पेट्रोल 30 रुपया थोड़ा वो महंगाई जो तूफान है डॉक्टर साहब हाँ गाल सही है पर हिंसर असो अदी अक्सरियत है अस कलेक्टिव विजडम याद चेबस्ट में इलेक्शन टीवी में साईं तहां वट भी तो अक्सरियत तमाम एक बिन वोटन जी है ना तहां वट भी तो ज्यादा अक्सरियत ना है अगर एस्टेब्लिशमेंट तहां ते प्रेशर विदे थी अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे थी वक्त ते इलेक्शन थे तो सिर्फ एमक्यूएम के छड़ो कॉल अची वेंदी एमक्यूएम के चयो वेंदो एमक्यूएम बाहर निकरींदी पो तो तहां जी वा मेजॉरिटी इखलाकी सपोर्ट तो कोन रहंदी ना डॉक्टर साहब गाल सही है पर फिलहाल देखो फैसलो यो है ना डॉक्टर साहब छा तो लगे तहांके गवर्नमेंट के केड़ा चैलेंजेस हैं माशी सियासी चैलेंजेस तमाम घणा हैं डॉक्टर माशी हैं इक्तसादी हैं सफारती फॉरेन अफेयर्स में भी पाकिस्तान की थी वही है ये सब चीजों ने उनके असि सब दिसूं पिया वर्कआउट कयूं पिया बिलावल साहब करे पियो जरदारी साहब करे पियो पांजो छायो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब कन पिया सागे वक्त में जो है सो बिहार के पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब कलेक्टिवली क्यों पे सो दैट के आवाम के फायदो थे डॉक्टर साहब पाकिस्तान पोई गवर्नमेंट में तहां के खबर आ पान सियासी तौर भी पूरी दुनिया का आइसोलेट थियो माशी तौर भी सूरत हाल तमाम केडो दुखिया ये फैसला चैलेंजेस हुंदा बिलावल साहब भी तमाम घना दौरा भी करे थो मीटिंग्स भी करे थो एक सुठी स्पेस मिली आ बिलावल साहब के एकड़ी सुठी अपॉर्चुनिटी मिली आ बीबी साहिबा जी कंदी भुट्टो साहब जो जी ताल्लुक हो छा चंदो इनते सो बिलावल साहब डाडी कोशिश को करे गुजल 15 दिन का या वधिक भी थी गन वो अमेरिका टर्की वरी यूरोप जो है वरी मुख्तलिफ मुल्क में जाए कोशिश तो यही है तो पाकिस्तान के रिलीफ में दे फाइनेंशियली बी चीजन में अमेरिका भी वो है सो सागर में शहबाज शरीफ भी लगो पो है नवाज शरीफ भी लगो पो है जरदारी साहब लगा पे हैं सो मुख्य उम्मीद है महीने डेढ़ में सुठे असके खबरू मिलन इमरान खान वरी एक दफो चो वरी इस्लामाबाद की तरफ इंदुस वरी यो भी थे वने इमरान खान पोते हटो आ अज वो अहम फैसलो थो तहरीरी फैसलो सुप्रीम कोर्ट थोड़ो अंधी दिनों है थोड़ी डायरेक्शन लगे थी तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई थे खपे और एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जहाँ जस्टिस यहीया खान आफरीदी चो तो इमरान खान के खिलाफ तो ही ने अदालत की कार्रवाई कई वे चौद अदालत की मर्जी है फैसलो कबसरो अदालत जो कम है तो वो इंटरप्रिटेशन करे अदालत जो यो कम कान्ने जो वो जो चाहे तो जलसन की इजाजत दियो जलसन की इजाजत न दियो
जैसे ये एग्जीक्यूटिव जा कम आइन पार्लियामेंट जा कम आइन कानून साजी का हर इदारों पर डोमेन में रहे हैं सोवरेंट जो तो पार्लियामेंट है उनके पेट में ही अदालत उनके पेट में ही बिया इदारा जन्म था वे सोचने वाले के सोचने खपे तो वो जो को सो सुप्रीम जो है पार्लियामेंट है उनके बटन से ही ये सब चीज जन्म थी वन। डॉक्टर साहब लॉन्ग मार्च तहां भी कई बिलावल साहब भी कई पूरी सिंध गवर्नमेंट जी सपोर्ट हुई पूरा रिसोर्सिस उनके पोया हुआ इमरान खान से इल्ज़ाम छो थो हो तो वन तो उन रिसोर्सिस इस्तेमाल किया पूरी मशीनरी इस्तेमाल थी तहां क्यों था भी उ क्यों था मरियम नवाज साहिबा क्यों भी उ क्यों सिर्फ इमरान खान ने शहर जो जिम्मेदार ना जैसे जाते गवर्नमेंट आ वो सजो फायदो तो वे सपोर्ट तो वे। डॉक्टर साहब ऐसा मसलो यो है तो इमरान खान जो खपे करे उनके कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है वो बिल जो खपे करे बाकी हाँ हथियार खड़ी जथाबंदी खड़ी उनको पान चे तो हथियार वाले जलसे में वही उनको शेख रशीद चे तो खूनी इनकलाब हम लाएंगे तो ये वायलेंस के उन खुद गाल कही है वायलेंस के हवाले से उनके तीन चो सही वो चीजू न करें बाकी वही करे बाकी वही के जी महात्मा गांधी वारा कांग्रेस वारा जो तो जो जेल भरो तैयारी करा हुआ अस भी कई सी जो 83 में पीपल्स पार्टी एमआरटी कई हि भी जेल भरो तैयारी करे ही पेशावर में गिरफ्तारी दे जेल भरो तैयारी जो सदा करे इन जी बिया मूँ फिरदोश शमीम नकवी एंड कंपनी अली जदी ये कराची में गिरफ्तारी दी अड़े नमूने के इन जी बिया पंजाब में मूँ वेठा सब गिरफ्तारी दी इन एमपीएस एमएनएस जेल भरो तैयारी कन 2000 मूँ अगर जेल में अची वा जेल में जगह कान थी हुकूमत जो ललक हिली वी कन वही कॉन्स्टिट्यूशन तरीका वही कन वही मेहरबानी बुजुर्ग मूँ को कर जेल में वे ही को एक कलाक जेल भरो तैयारी करता। डॉक्टर साहब ये ऑप्शन तो आई वही कन इनके कें रोक है डॉक्टर साहब इन सूरत यार इन जनरल सवा क्या दो पॉलिटिकल पार्टी ने हाने आए जेल बर्दाश्त करे सकन था उए दिसो आने जेल भरो तहरीक द पीपल्स पार्टी या ये परवेज मुशर्रफ के वक्त में तो जेल भरे तहरीक में पेनदी समेत मानू सब जेल में गया हुआ ना हाने वनी सकन था हाने जेल भरे सकन था हाने एहतजाज उए सी सकन था जे बीबी साहब के दौर में दिसो आने दिसो हर वक्त जहाँ डायनेमिक्स हैं तवे वालिद साहब के वक्त में हालात बया हुआ तवे दादे के वक्त में हालात बया हुआ तवे वक्त में हालात बया हैं तवे औलाद के वक्त में हालात बया होंगा सो पॉलिटिकल मानू तो जेल लाइ तैयार हो जाए ना ये चवंदा ना असि सियासी मानू आयो तो बाबा ही तो उनके केर रोके न तो सके ना चवन बाबा असें अरेस्ट कर जेल भरो तहरीक महात्मा गांधी वा भी ई कह ना कांग्रेस वा ये भी ई कन तो हाँ के नजरियाती कारकुन नजरियाती मानू पार्टी के अंदर रहा है नजरियात क्लेम करे तो ना कि अस नजरियाती पार्टी है अस इंकलाबी आयो ये तरीको बाकी बचो है ना चे तो जुलम है बाबा जुलम है तो जेल भरो तहरीक कर वही मेहरबानी मोहतरम जवाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब टेलीफ लाइन ते ना ब्रेक जो टाइम से ब्रेक।